केरल की सभी सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। वहीं प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल पहुंचे, जहां उन्होंने अलपुझा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे यहां आप सभी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। आपका उत्साह बताता है कि आपने हमें जिताने की ठान ली है। हमारे उम्मीदवार को आपका प्रत्येक वोट पीएम मोदी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। केरल के किसान और मछुआरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। केरल के कोने कोने से यहां की संस्कृति और विरासत दोनों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है। तो सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। എല്ലാ സർവേകളും പറയുന്നു, ഈ കേരളം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് മുന്നേറാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കേരള കെ കിസാൻ ഓർ കേരള കെ മച്ഛവാര ഭായ് ഭി നരേന്ദ്രമോദിക്കെ സാത്ത് ആഗേ ബഡ്നേക്കെ ലിയേ തയ്യാർ ഹേ. കേരളത്തിലെ കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യ പ്രവർത്തകരും നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം മുന്നേറുവാൻ തയ്യാറാണ്. ഭായ് ഓർ ബെനോ, केरल के कोने कोने से केरल की संस्कृति और केरल की विरासत दोनों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है।